पर भुज दंडे विराजे और हाथन में हत नाम आई और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे। लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को डरता नहीं। हाँ बिना वेद क्यों बाहर भटका, भटक रहा जग माही। अरे 68 तीरथ यहीं बताऊं, 68 तीरथ निर्वदी गौ माता आ गई हैं, सूरज देवता भी आ गए हैं और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। फिर से प्रकाश, जैसे ही जंगल में प्रकाश होता है, जंगल चमक उठता है, शांत आनंद वाला हो जाता है। पर अंधेरे होते ही ढेर सारी समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि जंगल ही है ये नर्मदा पैकमा कुटी पंचधारा, यहाँ के ये महाराज। और ये अभी इनके पास चलेंगे, ये नीचे कुटी नर्मदा जी के पास रहते हैं। ये हम यहाँ पे रात गुजारे, अच्छा खासा एडवेंचर के साथ रात गुजारे। इनमें चाय बना रहे हैं, नर्मदी है। इसी पे यहीं पे कल हमने भोजन भी बनाया था। सारी चीज़ें व्यवस्थित है, पर रात में चूहे बहुत आते हैं तो बहुत खटर पटर कर रहे हैं। और इधर हमने अपनी पूजा की भी तैयारी कर ली है, तो अब पूजा भी कर लेंगे। जब तक मैं अपनी आरती करेंगे, चाय बन के तैयार हो जाएगी और फिर चाय पी के फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे और महाराज जी से भी दर्शन करेंगे। नर्मदे। ये स्थान तप के बल पे ही चलता है, पूरा तप का ही प्रभाव है, अपने से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम शाम को भोजन बना रहे थे तो हम सूखी लकड़ी लेके आए थे, सूखी, इतना जलाने की कोशिश की है, बहुत मुश्किल से जली है और जली भी नहीं ठीक से, ऐसी कच्चा पक्का बना है। तो सुबह हमने महाराज जी से कहा कि लकड़ी बहुत वो है, गीली है, सूख जल नहीं दी, सूखी है। तो उन्होंने ये ओस से भरी गीली लकड़ी दे दी, कहा इसको ले जाओ ये जल जाएगी। और हम ला रहे थे, बहुत गीली थी क्योंकि उसमें सुबह की ओस भी थी, यहाँ पानी ओस जो है वो गिरता है जैसे बारिश होती है। हम वो लकड़ी ले आए और ये आराम से जल रही है, और हम सूखी लाए वो नहीं जली। महाराज जी ने जो बताई वो लकड़ी जब लाए, वही लकड़ी है, ये भीगी हुई है, पर उन्होंने कहा है कि ये ले जाओ। हम वो ले आए, देखिए आराम से जल रही है। और सूखी लकड़ी कल हम आपको दिखाते हैं, वो भी ये है, एकदम सूखी थी, बहुत जलाने की कोशिश की मगर बिल्कुल भी नहीं जली हर तरफ से। और एक दो लकड़ी थी, बहुत एक दो घंटे लग गए भोजन बनाने में, बिल्कुल भी नहीं जली अपने से। और ये उन्होंने गीली लकड़ी ही दी और ये आराम से जल रही है। तो ये तप का प्रभाव ये है कि उन्होंने कहा कि ये ले जाओ तो ये जल जाएगी, और वो जल गई। तो सब कुछ संभव है तप के बल पे, महात्माओं के बल पे। नर्मदी है जो कि हम कल से यहाँ का प्रभाव देख रहे हैं कि प्रभाव बहुत ज़्यादा है। नर्मदी। देखिए लकड़ी अपने आप जल रही है, आराम से जल रही है। कल हम इससे जला रहे थे, चला चला के थक गए, बहुत चलाए मगर फिर भी ये चल नहीं रही थी। और आज जो है महात्मा की दी हुई लकड़ी और ऑटोमेटिक जल रही है। नर्मदी है। जय हो महाराज जी की जय हो। नर्मदी है। अधिकतर भक्तों ने कहा कि कैसे भोजन बनाते हैं, क्या है, उसके बारे में भी वीडियो बनाइए। आज हम इसी के बारे में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम यहाँ अकेले ही हैं, कोई नहीं है, बस साथी के दो तीन कुत्ते हैं। नर्मदी है। ये एकदम फैमिली मेंबर जैसा ही व्यवहार करते हैं। नर्मदी है।
जैसे वो सुनते नहीं है वैसे ये भी नहीं सुनते नर्वस है। और हम फिर अब भोजन की तैयारी कर रहे हैं। आज मिक्स सब्जी बनाएंगे, पूरी सब्जी की, आलू टमाटर मटर गोभी सबकी, और इसमें चने भी डालेंगे। मिक्स सब्जी नर्वदे है, नर्वदे है, और आपको भी इसमें शामिल करेंगे। नर्वदे है जी, जी नर्वदे है महाराज जी। और ये तो लेते चलूँगा, और कहाँ पे जी 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 ये ओस से गीली नहीं हो गई होगी? हाँ नहीं नहीं वो जाएंगी, सूख जाएंगी। अच्छा अच्छा ये देखिए जी जी। अरे इसको क्यों ले आया आपने? इसको वो इसको रख देते अभी। अच्छा, पहले अच्छा। ये लकड़ी हाँ हाँ कोई नहीं, मैं सारी लकड़ी उठा ले जाता हूँ, ये जितनी है ना। हाँ, हाँ। जी जी ठीक है, ये मैं सब लकड़ी उठा लो। जी 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 महाराज जी यहाँ से रहते हैं जरनर बदे। मैं सारी लकड़ी ले जाऊँगा, बिल्कुल नहीं, आराम से बनाता हूँ। ये लकड़ी को ले ले जा के वहीं रख दो। हाँ जी, ये सूखी लकड़ी है ये। जी जी ठीक ठीक, मैं सारी ही लकड़ी ले जाता हूँ। ले जाओ ये। ठीक ठीक, और ले गया हूँ वहाँ पे। ये वाली अच्छी है ना? अच्छा अच्छा जी जी जी, ये सूखी है ये। जी 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 जी, और ये है ये जी सूखी है ये। ये सारी ठीक 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 ठीक। पहले इसको क्या करो, वो इकट्ठा कर लो। जी जी, इकट्ठा करने से क्या है कि ये लकड़ी। हाँ मैं सारी उठा के ले लेता हूँ वहाँ पे लग देता हूँ। जी जी ठीक 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 ठीक। अरे वो मोबाइल को भी रहने दो। अच्छा जी जी जी, जला 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 जल्दी जल्दी। और तगड़े से जला दे, जी जी। और लकड़ी इकट्ठे जमा करो। अच्छा, इकट्ठे जमा करने से एकदम धड़ाके से आग जल जाए। ये सूखी सूखी लकड़ी ले लो, ये सूखी है। हाँ हाँ ये है, नहीं वो नहीं, हाँ वही ये और ये लकड़ी सब इकट्ठे लगा दो ना, कम से कम क्या है आग बन जाएगी। आग बन जाएगी पहले, आग बनने दे जी। नहीं है खूब लग गई महाराज जी। नहीं ये लकड़ी ले जाओ ना ये। अच्छा अच्छा, ये सूखी है, लगा दो आग में। कौन सी? ये वाली? हाँ हाँ यही वाली। हाँ ये ले जाओ, पहले अंगार जलाओ। हाँ जी जी, अंगार जल जाएंगी ना। हाँ हाँ, तो फिर धड़ाके से रोटी वोटी जो भी जी, वो बन जाएगा। जी जी, अब तो जल जाएगी, बहुत हो गई। अरे वो उसको निकाल दो। ये नहीं, ये ठहर जा, ये नहीं वो नहीं। हाँ। वो रहने दे इसको, इसको लगा जी। ऐसा तोड़ो उसको, और सिगड़ी को निकाल दो। सिगड़ी सिगड़ी क्या? सिगड़ी ये, सिगड़ी ये जी। हाँ अच्छा, निकाल दो उसको। अच्छा, अच्छा। आग जलाना है ना, फिर बाद में रख देंगे। ऐसा बस ऐसे रख दो जी, और आग जला तगड़े से। जी जी जी, तगड़े से आग जल जाएंगी तो फिर बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये चाकू यहाँ से रखा है वो सब्जी बनी कर दिया। हाँ हाँ हाँ, बस वो क्या बोलते हैं, मैं बैठूंगा आगे के पास में। आप कुर्सी कुर्सी हाँ, बस बस यही बैठेंगे, कुर्सी लाओ, यही बैठ जाएंगे। अच्छा ऐसा जी जी, हाँ इसको बिछा लो अच्छे से। अब आपके पास बैठे ऐसा धड़ाके से जलेंगे। रात को जल नहीं रही थी। हाँ, ना भाई वो क्या है ना, अंधेरा भी था ना, अंधेरा भी रहा, समझ में भी नहीं आ रहा था अनुसार।
सूखी लकड़ी बिल्कुल नहीं मिली, सूखी लकड़ी नहीं रही। हाँ जी, तब गड़बड़। हाँ जी, और पतली भी अगर हो जाती का तो हाँ बन ही गया था, थोड़ा मेहनत लगी और बन गया था। कल भी मैं नहीं पाया, एक दिन के बाद पाता। अच्छा, एक दिन बाद। हाँ, अब बताइए, कल शाम को मैं अधिक बना था, अधिक बनाया ही था, फिर बाकी इनको दे दिया भैरव। हाँ नहीं, अच्छा हो, आप जल जाएंगे आप। हाँ जी जी, एक बार तगड़े से जल जाए ना। हाँ हाँ, तो आग हाँ, फिर वो क्या है कि सही रहेंगे। जी जी, मैं भी पूजा पाठ पूरा करके फिर मैं बोला चलो आप चलते हैं। जी 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 जी, हमने सोचा अभी अभी हमारा बाकी है, अभी सब्जी चढ़ा देता हूँ। हाँ, सब्जी हाँ, पकी हाँ, रहेगी तब तक मैंने पूजा। हाँ, हाँ, अरे उसमें तेल है वो। हाँ, उसमें जी 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 तेल है उसमें है। जी 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 है जी। तेल मिर्ची मसाला ये सब है। हाँ नहीं, सब है, देख लिया सब। अरे कढ़ाई में बनाओ। जी, कढ़ाई बनाते वाली। नहीं तो ये पतीलम बनाओ सब। ये हाँ, इसमें जल्दी बन जाए। ठीक ठीक, बनाते हैं। यहाँ पे काफी टाइम से रहते हैं मेरे आप तो। हाँ, मेरे को 30 साल हो गए। 30 साल? हाँ। बताइए, 30 साल। मगर आपके जन का प्रभाव दूर दूर तक दिखाई देता, क्योंकि हम दूर से आ रहे थे, वहाँ से हम सोचे थे अंधेरा हो जा रहा है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी अंधेरा जाएंगे, तो मगर अचानक ही ना मन में इतनी शांति हो गई यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पे ही, कि लगता है जैसे बहुत सारी बेचैनी खत्म हो गई, जल्दी बाजी खत्म हो गई कि नहीं नहीं, जबकि पता भी नहीं कि आगे कितनी दूरी पे है। तो अब फिर यहाँ एक नीचे और महात्मा जी की कुटिया थी। अच्छा। तो हाँ, वो बोले कि थोड़ी ही दूर है, तो हम क्या, अच्छा ठीक है। कपिल धारा में रुकने के लिए सोचा था, मगर वहाँ कपिल धारा में व्यवस्था नहीं है। नहीं, इस तट पे बिल्कुल नहीं है, उस पार में है। हाँ, उस पार में हम जा नहीं सकते हैं, मगर अच्छा ही हुआ। हाँ, आ गए, वरना यहाँ के रुकने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ रुकते तो फिर यहाँ पे रुक ही नहीं पाते। आगे से जाते हैं। जी, आप जली भाई अंदर। जी जी, क्या चले बाबा, कल आप नहीं थे ना, इसलिए नहीं जल रही थी। क्या है, बताने वाला तो होना चाहिए ये जन्म। जी जी जी, नहीं अंगार तो लकड़ी वही से चुन चुन के ले आते आपके पास, लाइट तो रहा नहीं, तो अब पता नहीं था ना, अंधेरा भी होने के बाद फिर जंगल में का वो नहीं रह जाता है, और दो लोग रहते हैं तो मतलब कोई साथ में तो थोड़ा चल जाता है। खैर अच्छा ही था, जो भी अनुभव है जंगल के सब अच्छे ही होते। मगर रमणीक स्थान है जो आपकी कुटिया है। मुझसे किसी ने कहा था महाराज जी। हाँ। कि आपको कई भाषाएं आती है। हाँ, आती तो है, अब क्या है वो पहले से सो गए ना, मेरे को तो उसमें भूल भाल गया मैं। जी 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 जी, 56 भाषा पढ़ाई किया था मैं। 56 भाषाओं की पढ़ाई। हाँ, भाषा एक बार पढ़ता तुरंत याद हो जाता था। लो, 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 वो ऐसे ऐसे में तुरंत तुरंत वाले याद कर लिया था। जी जी, 56 भाषा तो। हाँ। ये सारी भारतीय भाषा थी। भारतीय भाषा। अच्छा अच्छा, जी जी जी, चीन देश की भाषा है, जर्मनी है, अफ्रीका है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये सब भाषा अवगत कर लिया था। एक बार पढ़ता था तो याद हो जाती थी, ऐसे ऐसे याद कर लिया। मुझे भाषाओं का मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि दूसरी ढेर सारी भाषाएं। नहीं, इसलिए पढ़ाई किया था मैं। जी जी, कि संसार में हर तरह के लोग हैं। हाँ। हर तरह की भाषा जानते हैं। जी जी, हर तरह का व्यवहार करते हैं। जी जी जी,
हर तरह से मिलना चाहिए। हाँ जी एकदम। और फिर वो संसार में भ्रमण होएगा मेरा जी, धरती पे जी, धरती पे भ्रमण होएगा जी जी, अभी नहीं होएगा वो। हाँ जी अभी टाइम है अभी जी जी। वो उसके लिए मैं ये देश पर्यटन करने के लिए भी और ज्ञानेश्वरी का प्रचार प्रसार करने के लिए पढ़ाई किया था। अच्छा ज्ञानेश्वरी क्या चीज है? ज्ञान की ईश्वरी है। अच्छा ज्ञान की ईश्वरी, तो उन ज्ञानेश्वरी जी। तो महाराज जी कैसे किया, मतलब पुस्तक पढ़ के भाषाएं सीखी थी? हाँ नहीं पढ़ाई तो करना पड़ता है। हाँ जी जी, बिना पढ़े तो पता नहीं चलेगा, बिना पढ़े तो नहीं जानता जी जी। तो सारी मतलब कहाँ से पुस्तक सब इतनी? हाँ नहीं ये बुलवाया था मैंने भाषा की कई भाषा दिल्ली से बुलवाया था। अच्छा 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 जी जी, दिल्ली से बुलवाया था तो वहाँ कई भाषा की किताब मिल जाती है जी, वहाँ तो सब जगह भाषा की मिल जाती है। तो अभी भी है आपके पास भाषा? अभी है मेरे पास में, मैं देख सकता हूँ? हाँ देख सकते हैं अगर, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है दूसरी भाषाओं का सीखने का, सारी लग जितनी सीखूं उतना अच्छा है। अच्छा एक इतना इकट्ठे भाषा आएगा नहीं, नहीं क्या है नहीं, एक करके थोड़ा 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 करके पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी 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 जी, नहीं अभी तो सिर्फ देखना चाहता हूँ कि पैकमा में हूँ तो रुक ज्यादा नहीं सकता, पर तो मटर वटर डालो ना ये सब, ये है ना जी सब का डाल। हाँ वो उसी गंजा में बना लेना। अच्छा बढ़िया, धुल लेता हूँ उसी में बना लूंगा। हाँ और ये क्या बोलते तेल है इसमें? हाँ जी जी जी, तेल है राई का, वो ये सरसों तेल जी जी जी, सरसों का तेल। तो अच्छा महाराज जी, जैसे अभी पैकमा पूरी हो जाएगी मेरी जब होगा, तो मैं यहाँ आके मतलब भाषा का वो आपका पुस्तक भी है, आप पढ़े भी हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा, तो क्या आके यहाँ पे भाषा का अध्ययन कर सकता थोड़ा बहुत? क्योंकि क्या है मुझे बहुत रुचि है भाषा। संसार में 5000 भाषा है। 5000 भाषा है? 5000 भाषा को पढ़ लिया तो पूरा ज्ञान हो गया जी, पूरी दुनिया घूम ली। दुनिया ही पूरी ये यानी वर्ल्ड की भाषा है जी 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 जी। क्योंकि ये स्थान भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली है और भाषाएं आ गई तो लहसुन प्याज इसको भी काटो। हाँ जी सब काटो, वो अलग काट देता हूँ पहले, धुलने वाली इसमें काट देता हूँ। प्याज है इसमें? नहीं है। हाथ से हो दे बंद है जी, कम पड़ेगी। एक और छोड़ दो। हाँ छोड़ दो क्या जी, ठीक है दो छोड़ काट देता हूँ। कोई परिक्रमा में आते जाते हैं? नहीं नहीं, इसीलिए मैंने ज्यादा ही बनाया है ताकि कि कोई भी आ गया दो तीन लोग मूर्ति। अब जली भाई अंगार। हाँ जी जी जी, वहाँ बैठे इसलिए जल जली गई, ताकड़े से जल गई जी जी। कल तो बुलाया दिया था, कल वो क्या का क्या बोल रहे थे, चाय बनाएंगे। हाँ। तो चाय तो खत्म रही। नहीं चाय पत्ती है। हाँ। चीनी नहीं है तो। हाँ। हमारे पास गुड़ था थोड़ा सा। अच्छा तो, मगर दिक्कत ये थी कि हमने उसमें वो सकरा गुड़ था मतलब जूठा था। हाँ, तो हाँ। फिर अब हम चाय बनाए मगर आपको इसलिए दीगे कि वो जूठी थी मतलब गुड़ जो था। हाँ, वो जूठा हाँ। था तो हम कहे अभी अब महाराज जी कैसे दें, फिर हम अब रखी हुई है नहीं वो मैं क्या सोचा कि वो ये होएगा भाई, नहीं चाय पत्ती तो है प्रसाद होएगा ऐसा खाने पीने का। हाँ। ऐसा उसमें से निकाल के देंगे ऐसा करके सोचा जी जी जी। नहीं वो सकरा गुड़ था जूठा था, क्योंकि चने गुड़ हम सुबह बाल भोग में चने गुड़ पाते हैं। हाँ, तो कल बाल भोग मिल गया तो हमने वो रख दिया, हम कहे आगे पालेंगे कहीं, तो वही एक ही गुड़ था वो भी जूठा था। हाँ, हम कहे अरे यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई इसीलिए हमने आपको वो चाय नहीं पूछी। नहीं नहीं ठीक, आप जल्दी तगड़े से जी 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 जी, जी।
रात जल नहीं रही थी भाई, क्या हो गया ऐसा जी? छप्पन भाषा का वो नामदेव जी जानते थे, नामदेव जी, हाँ जी नामदेव, और वो क्या बोलते संत ज्ञानेश्वर जी जानते जी, वो भी व्यास जी जानते थे, हाँ व्यास जी भी जानते, वो व्यास जी भी जानते जी। पहले के जो ऋषि मुनि थे ना, हाँ वो सब भाषा जान ले, हाँ जी जी जी, और सब भाषा में बोलना पड़ता था उनको, हाँ, क्योंकि वही, और वो क्या बोलते ये तमिल में गए तमिल बोल रहे हो, हाँ, और ये इसमें कन्नड़ बोलो, गुजराती बोलो, जो भी भाषा वो सब लोग घूमते थे ना वो जी, उस तरह उनका ज्ञान भी बहुत हो जाता होगा, हाँ अचार, हाँ, ज्ञान था, क्योंकि हाँ हर चीज अलग अलग भाषाओं में है, हाँ, तो हाँ, अगर वो जानते हैं तो सब चीज जान जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती। वो क्या बोलते हैं कि संस्कृत जो है आदि सनातन है, हाँ जी संस्कृत पढ़ना जरूरी, संस्कृत में बोलते हैं ना देवता लोग, जी 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 देववाणी, देववाणी है तो संस्कृत में होती है जी, वो देवता लोग उसी में बोलते हैं, हाँ जी, अगर संस्कृत कहते हैं कि संस्कृत अगर सीख लिए, हाँ, तो बाकी भाषाएं थोड़ी आसान हो जाती, हाँ, है, हाँ अच्छा हो जाता जी, संस्कृत एक अच्छी गहन भाषा, हाँ, है, हाँ, जी, और वो पढ़ना जरूरी है जी, इसमें क्या है कि पहले शंकर भगवान भी उसी में लघु सिद्धांत कौमुदी का, अब वो शंकर भगवान के डमरू से निकला है, अच्छा संस्कृत भाषा का, हाँ संस्कृत भाषा का जो उच्चार है जी, जी, तो वो शंकर भगवान के डमरू से निकला है जी, हाँ, वो डमरू से निकला, फिर वो पाननी ऋषि ने, कात्यायन ऋषि ने जी, उसको फिर वो विश्लेषण किया जी, कात्यायन ऋषि जी, कात्यायन, कात्यायन जी, कात्यायन भी ऋषि हुए ना उस समय जी, जी, बहुत बड़े तत्ववेत्ता थे बाबा, वो ऐसे ऐसा हमारे जैसे धोंधो खोंजो पोचो नहीं थे, हाँ वो तत्वज्ञ थे ना वो जी, पहले, पहले तो तत्वज्ञ ही ज्यादा करके होते थे, पहले ना इतने आडंबर और वो सारी नहीं, ये नहीं था ये, हाँ। सब झंझट से बचते थे भाई जी जी, अभी गलत सलत काम करने से बचते थे वो जी, और फिर उनके पास में धर्म पत्नियां भी थी, हाँ जी जी, हाँ, वो भी सहयोग क्यों करना भाई, देखो सब ऋषियों के पास में माँ, हाँ, रही वो जी धर्म पत्नी, और वो हमेशा सहयोग ही, हाँ वो संयम रखते थे ना भाई वो जी, और अभी के बाबा क्या है कि थोड़ा सा कुछ पत्नी पाए कि उल्टा सुल्टा काम कर लेते हैं जी, पाए नहीं पाए उल्टा सुल्टा, हाँ उल्टा सुल्टा पहले झंझट में पड़ जाते जी, मटर थोड़ी ये थोड़ी बची है, अरे थोड़ी को निकाल लो ना मटर को जी, ये आसाराम बापू है क्या, हाँ। बोलते कौन से बापू है सारे जी, वो इन लोग राम रहीम है, कोई कोई बाबा है, अत्याचार काम किया, हाँ। अत्याचार बहुत ज्यादा, ये तो अत्याचार वाला काम, हाँ। दूसरे के आसन पे कब्जा करना, बहिष्कार, वो तो हुआ है, हुआ अब ये उसकी औरत भी थी, हाँ हाँ जी, ये आसाराम बापू के पास औरत भी है, हाँ जी, अब वो बाल बच्चे है, अब उसको काय को उल्टा पुल्टा काम करना, पर वो कथाकार थे, लोगों ने उनको बहका दिया, हाँ महात्मा के रूप में मान लिया, हाँ। और फिर वो पूजा करने लगे, फिर बढ़ते गए, फिर इसी तरह वो भी बढ़ता गया, नहीं वो ऐसा ठीक नहीं है, और कई बाबाओं की मैंने एक बार उसमें देखा जी, जी। बड़े बड़े बाबा के ऊपर में कोर्ट केस चल रही है, हाँ, इसी के बारे में, हाँ, जी, 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 बड़े बड़े बाबा जी, और इनको तो शर्म आना चाहिए साले को, अरे औरत बना रहा ना कौन सा, हाँ, काटा है, सबसे बड़ी बात, हाँ, शादी कर लो अपना, शादी कर लो, पहले के ऋषि मुनि नहीं रहते, हाँ, वही तो,
सबके पास में औरत रही। हाँ जी, हाँ? जी जी वो शादी कर लो, कौन सा घाटा हो रहा है जी, नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। और फिर ऐसे रहेंगे तो ऐसे ही रह के दिखाओ, तो वो ऐसे भी नहीं रह पाते, वैसा भी रहते इसी में पद भ्रष्ट हो जाते हैं, इसी में पद भ्रष्ट हो गए। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वो समाज का ये रखना चाहिए, इज्जत रखनी चाहिए, समाज की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। समाज की मर्यादा नहीं रखे कुछ नहीं, मान माने मामला कर लिए सारी राम रहीम का, हम रहीम सहारे उल्टे उल्टे जी। बाबा इन लोगों का ही चमत्कार हुआ है जी। वो आसाराम बापू का तो और ज्यादा घोटाला। अरे एक औरत रही रख लिए तुमने, ठीक है अच्छा है भाई, तुम बाले बच्चे भी हुए, फिर तुम्हारे को ये उल्टा सुल्टा कर्म में हाथ लगाने का कोई जरूरत नहीं। हाँ ऐसे बाबा को सीधा डायरेक्ट गोली मार दो, गोली गोली जान से उड़ा दो, खत्म ना रहे न बास न बास बजे की बास वो ना रहेगा। कोई झंझट ही ना रहेगा। ऐसे बाबा जो उल्टे सुल्टे बाबा हो गए देव धड़ाक के खत्म करो, अरे शादी करो हाँ, फिर रहो बढ़िया आनंद से जियो जी, पर ऐसा मत रहो समाज, और ऐसा रहे तो रहो सही रहो, समाज में व्यभिचार नहीं बहाना चाहिए, ऐसा रहो तो सही ढंग से रहो ना भाई जी जी, नहीं तो नहीं मानता तो शादी कर लो, कौन से घाटा है इसमें, ज्यादा ज्यादा ये हो जाए ऋषि मुनि है भाई क्या करेंगे जी, गृहस्थ ऋषि मुनि है बस नाम जुड़ जाए। अरे पहले के ऋषि मुनि तो पहले इसी में रहते थे जी, सभी ऋषि मुनि गृहस्थ ही थे। क्या है कि आप दिखावे का ज्यादा प्रचलन हो गया ना, दिखाते हैं कि नहीं हम वो है? जो भी गलत सलत कर्म करते हैं दिखा कि खत्म कहानी, उसको जान से उड़ा दो, कोई पाप नहीं है, पाप नहीं ना पुण्य नहीं। हाँ जी। और जेल भी मत करो, जेल से उछुट के आके फिर वही काम करें क्या फायदा जी, जी। जेल भी मत करो, वो डायरेक्ट खत्म कर दो। बाबा हो साबा हो कोई भी हो जी, हाँ जो भी गलत करे सबके लिए नियम, हाँ हाँ नियम कानून एक। हाँ जी बाबा होने का कोई, पहले प्रेम से समझाओ, देखो भैया यंदा से कर लिया ऐसा ऐसा मत करना जी, अगर ऐसा करते हुए देखे जी पर तुम्हारी शादी कर देंगे, नहीं तो तुम्हारी को अब सीधा खत्म कहा। अरे बाप रे क्या अत्याचार 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 भ्रष्टाचार, उसको देखे देखे कई बाबा लोग भी वैसे काम कर जी, वो देखा देखी वो, हाँ, अरे वो बाबा तो करते हैं, हाँ, हाँ, करते हैं। उनको कुछ नहीं और अपने को क्या होगा जी, जी वही बात ऐसा हो गया उनका। कोई पाप नहीं होएगा ना कोई। हाँ जी ये तो है ना, वो बाबा चाली को मारने में कोई पाप नहीं माना जाता है। हाँ। अरे बाबा है कैसे करे ऐसा, थोड़ी गलत काम किया कहाँ, अब यमराज जी कहाँ छोड़ते हैं। हाँ, वो तो यमराज जी सीधी 84 की जेल डाल देते हैं। हाँ, 84 योनी 84 योनी भोगते रहो, एक एक योनी को भोगने के लिए मालूम है 200 करोड़ वर्ष लगते है, एक योनी 84 लाख वर्ष, 200 करोड़ वर्ष, करोड़ वर्ष बन लगते बाप रे, भोगते रहो बेटा, भोगते रहो भोगते रहो। और वो भी अगर संयोग अच्छा, 84 लाख योनि भोगने के लिए 200 करोड़ वर्ष लगते हैं जी, जाहिर सी 84 लाख योनि। हाँ। गलत सलत करते हैं तो पहले प्रेम से समझा दो, देखो भैया अब ऐसा तुम आदत मत रखो, नहीं तो शादी कर लो, कहां झंझट में फंसो जी, पर गलत नहीं करो। हाँ
देश को बचाना है ना भाई, इन्हीं लोगों ने तो घपला सपला में डाले। हाँ जी, और देखा देखी करते करते बहुत सारे लोग हो गए। सबसे ज्यादा नांगा बाबा ने किया है उल्टा पुल्टा जी। हाँ, नांगा बाबा भी ऐसे उल्टा पुल्टा काम करते हैं जी। तो रोकथाम सबके ऊपर रोकथाम कर। और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे, लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को डरता नहीं। हाँ बिना वेद क्यों बाहर भटका, भटक रहा जग माही। अरे अड़सठ तीरथ यहीं बताऊं, अड़सठ तीरथ यहीं बताऊं, दर्शन कर ले मन माही।